राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। दिल्ली में शनिवार शाम हुई बारिश के चलते ओल्ड राजेंद्र नगर के राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया। इसमें डूबने से 3 स्टूडेंट की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि शाम 7 बजे सूचना मिलने के बाद एनडीआरएफ को बुलाया गया। देर रात 3 स्टूडेंट के शव और 14 छात्रों को सुरक्षित निकाला गया। शनिवार रात बिल्डिंग में पावर कट के कारण बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी का बायोमेट्रिक गेट जाम हो गया। स्टूडेंट अंधेरे में लाइब्रेरी के अंदर फंस गए। गेट बंद होने के कारण पानी शुरुआत में बेसमेंट में नहीं घुसा था, लेकिन कुछ मिनट बाद ही पानी का प्रेशर तेज हुआ और गेट टूट गया। गेट टूटने के बाद पानी तेजी से बेसमेंट में भरने लगा। चश्मदीद ने बताया कि बहाव इतना तेज था कि सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो रहा था। कुछ सेकंड में ही घुटनों तक पानी भर गया। ऐसे में स्टूडेंट बेंच पर खड़े हो गए। महज 2 से 3 मिनट में ही पूरे बेसमेंट में 10 से 12 फीट पानी भर गया। बाद में बच्चों को बचाने के लिए रस्सियां फेंकी गई, लेकिन पानी गंदा था इसलिए रस्सी दिखाई नहीं दी। पुलिस ने कोचिंग मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। रविवार शाम दोनों को दिल्ली कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।